हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। ये एक अभ्यर्थी का ऑनलाइन फॉर्म जो भर चुके हैं उनके आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी लगेंगी और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ये जिस अभ्यर्थी का भी ये PDF है पूरी, ठीक है, उनकी जो पर्सनल डिटेल्स थी जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हाइड कर दिया, ये तो सारी चीज़ें आप लोग सब वो तो अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या भरना है, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको शायद कुछ पूछना भी ना पड़े, और फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेम अपना, देखिए यहाँ पे नेम भरना है, फिर पिता का नाम भरना है, एक एक करके सारी चीज़ें जो नॉर्मल है वो भी। ठीक है, अगर कोई महिला भर्ती है तो पति का नाम और माता का नाम, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको भरना है। फिर जन्मतिथि आपको भरनी, पहले डे भरना है, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक, इसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स, मैट्रिक मतलब 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट में इशू हुआ है वो डेट आपको डालनी है। जेंडर अपना भरना है, देखिए ये जेंडर मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने इस बार एक वीडियो 2018 का यूपी में री एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ ऐसे एक अभ्यर्थी मैं ऐसा जानता हूँ जिनका जेंडर में गड़बड़ हो गया, इधर से उधर हो गया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने को किसी को साइबर कैफे दे दिया, उन्होंने गलत भर दिया, नुकसान किसका हुआ? अभ्यर्थी का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने सामने पहली बात आपको भरवानी चाहिए। फिर है, क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम अर्हता धारण करते हैं? इसमें तो आपको यस ही करना होगा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक, फिर है, क्या आप भारत के नागरिक हैं? इसमें यस करना होगा। क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी या मूलवासी हैं? देखिए अदर स्टेट के हैं तो आपको नो भरना होगा, अगर आप बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, बिहार राज्य के अभ्यर्थी तो आपको यस करना होगा। और जैसे ही आप अगर बिहार के अभ्यर्थी अगर यस करेंगे तब आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया, सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा गया। जैसे इन्होंने लिख दिया नो तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मांगा ही नहीं गया। ठीक, फिर आया और देखिए अदर स्टेट के हैं, देखिए अदर स्टेट इन्होंने नो कर दिया ना कि बिहार के मूल निवासी नहीं, इसलिए यहाँ पर नीचे के ये ऑप्शन अपने आप हो गए, नो अपने आप हो गया यहाँ पर कि क्या आप आरक्षित वर्ग से हैं। चाहे आप अदर स्टेट के SC OBC या फिर जनरल मतलब EWS या फिर दिव्यांग कोटे किसी से भी हो, लेकिन यहाँ आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अदर स्टेट की वजह से। ठीक है, ये अपने आप नो यहाँ पर हो जाएगा और UR अपने आप यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक, आगे देखिए, फिर है, क्या आप बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी हैं? ये सारी चीज़ें नो आपकी हो ही जाएंगी क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर बेंच यहाँ पे यस करना होगा और अपना ये बताना होगा कि आपका जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसमें कैटेगरी कौन सी है। ठीक, श्रुत लेखन की आवश्यकता होगी या नहीं ये भी आपको बताना होगा अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। ठीक है, आगे है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं? अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, क्या आप विज्ञापन के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाती नातनी पोता पोती हैं? तो इसमें भी अगर आप हैं फ्रीडम फाइटर कोटे से आते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। अदर स्टेट के हैं तो नो ही होगा सब में। ठीक, फिर आपसे मोबाइल नंबर आपका मांगा जाएगा और ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए जो आपका पर्सनल है वो, और ईमेल आईडी। ठीक है, दोनों ईमेल आईडी का भी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए और मोबाइल नंबर तो ऐसा होना चाहिए जो चलता फिरता मतलब सही से काम करता हो। ठीक है, फिर है, आधार संख्या आपको डालनी होगी, आधार संख्या आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। देखिए अगर आप लोगों ने आधार संख्या नहीं डाली, देखो वैसे नॉर्मली जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 750 रुपये का फॉर्म होगा। ठीक, अगर आपने 750 रुपये तब होगा जब आधार नंबर आप लगाएंगे, आधार लगाएंगे। अगर आपने पैन कार्ड यूज किया तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसलिए आप सभी लोग आधार कार्ड ही अपना यूज़ करिएगा। ठीक, फिर आपसे एड्रेस मांगेगा, पत्राचार का पता। ठीक, तो यहाँ पे भी मैंने हाइड कर दिया किसी की पर्सनल चीज़ों क्यों यहाँ पे रखें। ठीक, उसमें स्टेट पूछा गया है, जिला पूछा गया और पिन कोड यहाँ पर डालिएगा, जिला डाल दीजिएगा उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश। नीचे फिर स्थाई पता पूछा गया, उसमें भी वही चीज़ है उसी तरीके से, अगर आपका अलग अलग हो तो अलग अलग डालिएगा। वैवाहिक स्थिति, इन्होंने मैरिड डाली थी, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड अपना डालिए। ठीक, आपके द्वारा उत्तीर्ण दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, इसमें आपने कौन सा दक्षता परीक्षा दी है, पात्रता परीक्षा, तो उम्मीद है कि अदर स्टेट के होंगे तो आप लोग सीटेट
सीटेट ही आप लोगों ने दिया होगा तो यही आपको भरना होगा, सीटेट या बिहार टेट ये सब पात्रता परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हो जाएगा। फिर है आप इनमें से किस किस पात्रता दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो अगर आप लोग सीटेट और बिहार टेट में से कुछ भी पास हैं तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, 1 to 5th में भरेंगे तो इसी में करना होगा आपको। ठीक है, कक्षा 9 से 10 में है तो इसमें करना होगा, 11 से 12 है तो इसमें करना होगा। ठीक, इन तीनों में। फिर नीचे है सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, इसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा और इशू डेट देनी होगी। फिर नीचे लिखा है मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। ये तब होगा, यहाँ पे घोषणा तब करनी होगी अगर आप लोगों ने इस बार वाला सीटेट भरा है। ठीक है, जैसे आपका पहले से सीटेट आपका क्लियर नहीं है, आपने इस बार वाला सीटेट भरा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर टिक करना होगा कि जब तक मतलब 31 तारीख तक मेरा सारी चीज़ें कम्प्लीट हो जाएंगी। ठीक, फिर है ये तो सारी चीज़ें वही हो गई। फिर है इसके बाद आपको क्या भरना है, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनना है। बीएड एमएड बीएलएड बीएएड बीएससीएड प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी, इसमें बीएड डीएलएड बीएड मतलब डीएड ये 2 वर्षीय जितने भी डिप्लोमाधारी हैं वो सभी लोग इसी में आएंगे। ठीक है, तो इसमें ही आप लोग कर देंगे। फिर अप्लाइड फॉर जिसके लिए भी भरना चाहते हैं, 1 to 5th भरना चाहते हैं 1 to 5th में कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मेन चीज आ गए, विद्यालय अध्यापक के मूल कोड कक्षा 1 से 5 पद पर नियुक्त है तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट 10th का तो आप लोग सर्टिफिकेट ऊपर ही डाल चुके हैं। ठीक है, 12th का 10+2 का। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम है, साइंस साइड से है तो साइंस साइड, आर्ट्स है तो आर्ट्स डाल दीजिए। पासिंग ईयर कितना है, जो भी आपका पासिंग ईयर हो वह यहाँ पर भर दीजिए, आपके जो कॉलेज था उसका नाम या इंस्टीट्यूट जो हो उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। यूपी बोर्ड से हैं अगर अदर स्टेट में यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड, या फिर सीबीएसई है तो सीबीएसई, या बिहार बोर्ड जो भी हो। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किया और फुल मार्क्स कितने मार्क्स आपके मतलब पूरी परीक्षा आपकी हुई थी। ठीक है, जो टोटल आपका जैसे बीएससी आपके टोटल कितने नंबर में हुई थी, सॉरी इंटर आपका कितने नंबर, 500 में था टोटल, और उसमें कितने आपने प्राप्त किए, परसेंटेज अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अगर ना आए तो आप लोग कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका जो द्विवर्षीय डिप्लोमा है जो भी हो आपका, अगर बीएड है डीएलएड है डीएड है जो भी हो वो डाल दीजिएगा। आपकी स्ट्रीम पूछी, स्ट्रीम इसमें भर दीजिएगा। पासिंग ईयर डाल दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा। ठीक, बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, सेम ऊपर वाली चीज़ें करनी है, टोटल में से ऑप्टेन मार्क्स और फुल मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक, अब बाई चांस आपका अभी बीएड है डीएलएड है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और आप अपेयरिंग में भर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे लिख दिया जाएगा मेरे शिक्षक प्रशैक्षणिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। ठीक, अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं इस बार। ठीक, योर पोस्ट प्रायोरिटी 1 to 5 टीचर के लिए हो जाएगी। अब देखिए योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, लोग पूछ रहे थे क्या हमें उसके लिए जो मतलब सेंटर के लिए ऑप्शंस मिलेंगे सेंटर के लिए, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन्होंने पटना, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर डाला है। इसी तरीके आप भी अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपको कहाँ प्रेफरेंस कौन सी देनी है। ठीक, उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह कि शरीर पे कुछ ऐसा चिन्ह बताइए जो थोड़ा सा पता चले आपका, जैसे किसी के चोट लगी होती हाथ वगैरह कहीं पे या चेहरे पे तो वो बता सकते हो, या फिर जैसे इन्होंने मोल ऑफ चिन्ह यहाँ पे लिख के बताया है। ठीक, आगे देखिए इन्होंने फोटो आपकी जो होगी, देखिए आप साइबर कैफे पे आप छोड़ के अपना फॉर्म आ ही नहीं सकते, आपको लाइव फोटो वहाँ पे क्लिक करवानी होगी। ठीक है, जो वेब कैम होता है उससे लाइव करवानी होगी। और इन्होंने थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है क्योंकि फॉर्म में लिखा था कि आपको जो बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे वो वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। ठीक, इन्होंने ग्रीन में ही कर दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर जो आपका नाम होगा ये आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको परीक्षा शुल्क आपका पूरा करना होगा, जमा करना होगा, उसके बाद यहाँ पर घोषणा करनी होगी, यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाना होगा और अपना
जो फी पेमेंट है वो सब कर देना होगा, ठीक है। इसमें फिर आखिर में लिखा आवेदन इस भरे हुए आवेदक इस भरे हुए आवेदन का प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी कॉपी की 2 प्रति अपने पास सुरक्षित रख ले, ठीक है। फिर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और 2 कॉपियाँ इसकी रख लीजिए क्योंकि भविष्य में आपसे मांगी जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी किसी के मन में कोई डाउट हो, देखिए ये मुझे PDF मिल गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूँ। बहुत से लोगों के मन में डाउट है सेंटर को लेकर, है सेंटर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और बाकी चीज़ों के लिए भी क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं। देखिए बिहार के अभ्यर्थी हैं तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, अदरवाइज नहीं मांगा गया इसमें कहीं पर भी, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।